नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल टिप्स बाय सीमा। आज मैं मुरब्बा बनाने जा रही हूँ, आंवले का मुरब्बा। इसके लिए हमने लिया आंवले और ये हमने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है और आंवले को हमने अच्छी तरीके से धो के फोक की सहायता से हमने इसे थोड़ा सा फ्लिप ये कर दिया था। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा चूना। चूना डालने से इसके चूना में वही पान वाला चूना, पान में जो हम खाते हैं उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। और मैं बॉईल नहीं करूँगी, मैं इस तरीके से स्टीम कर रही हूँ। आंवलों को इस तरीके से स्टीम करना है हमें, इससे आंवले के सारे न्यूट्रिशंस आप इसी में रहेंगे। और इसे हमें 10 मिनट के लिए स्टीम करना है और ये अपने आप से ही पक के एकदम से खिल जाएंगे। बस इनको अलग नहीं करना है, इनकी कलियां अलग नहीं करना है, हमें इसी तरीके से पकाना है। आंवले के बेनिफिट्स तो आपको मालूम ही होंगे, ये बहुत ही हेल्दी, इसमें अनगिनत गुणों से भरपूर है। और ये आप देख सकते हैं आंवले पक चुके हैं अच्छी तरीके से। और हमने लिया है ये धागे वाली मिश्री। मैं गुड़ और चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये हमने धागे वाली मिश्री ली है। और ये कोई भी पंसारी या ड्राई फ्रूट्स की दुकान में आपको इजीली मिल जाएगी। इसे हमने ग्राइंड कर लिया था और जितने आंवले हैं उसी के बराबर हमने ये मिश्री ली है। और इसे मैंने ग्राइंड करके और एक बर्तन में हमें इस तरीके से, और मैंने आधा कप पानी लिया है। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है हमें, बस थोड़ा ही, जिससे कि ये घुल के अच्छी तरीके से खोल जाए। ये हमने गैस की फ्लेम फुल रखी है और जैसे ही ये खोलेगी इसमें उबाल आना शुरू होगा। ये मैंने एक एक करके सारे आंवलों को इसमें डाल देना है। और अब आंच की गैस हमें स्लो करना है, स्लो आंच में इसे पकाना है। और बहुत ही जूसी बन के ये तैयार होंगे। और इसकी चाशनी गुड़ और चीनी के मुरब्बे से कहीं ज़्यादा ये टेस्टी होता है। या आपको इसकी चाशनी भी बहुत ही अच्छी लगेगी। आंवला ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी आपको इसकी चाशनी में भी बहुत टेस्ट आएगा। और ये बन चुके हैं और ये हमारा आंवला का मुरब्बा ठंडा हो चुका है। और मैं एक बर्नी में इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखने में जितना सुंदर है उतना खाने में भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इसे हमने थोड़ा सा ही बनाया है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखिए, बहुत ही टेस्टी होता है ये। ये आप देख सकते हैं बहुत ही रसीला और बहुत ही इजी बन के तैयार हो जाता है। हमारी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।